हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपको पता है कि जहाँ पे मैं रुका था वो वाली जगह मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दी थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये वाली जगह छोड़ के, क्योंकि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, वैसे मैं वो जयपुर एक्सप्लोर करना था, बट उसके पास बाइक है तो मैं उसकी बाइक लेके यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ जाऊँगा या फिर इसको बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस से सीकर, तो देखता हूँ पहले तो ट्रेन कब की है, ट्रेन नहीं मिली तो बस से मैं जाऊँगा अभी। तो पानी की बॉटल मैंने भर ली है वहाँ पे, वैसे यहाँ पे फ्रिज वगैरह सब कुछ है। तो इन्होंने 1000 लिए थे मेरे से टोटल, यानी कि 700 रुपये सिक्योरिटी के लिए, और जो चार्जेस थे वो तो इन्होंने मेरे को अभी पे किया है 800 वापस से पे कर दिए। इन्होंने मेरे को 200 रुपये चार्जेस था वो इन्होंने ले लिया। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, फाइनली इतना काम हो गया। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, मतलब ये इस साइड में रेलवे स्टेशन है और इस साइड में धर्मशाला है, मतलब ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ता। 200 मीटर भी हाईएस्ट नहीं होगा, 100 मीटर है हाईएस्ट, ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं मतलब। तो चलो मैं पहुँच गया हूँ फाइनली रेलवे स्टेशन। तो टिकट वगैरह पूछते हैं सीकर में यहाँ की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ से नहीं मिली तो मैं सोचा कि लिफ्ट लेके जाएंगे वापस से, तो लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, पर ट्राई करेंगे, कोई नहीं। चलो फाइनली अपना बैग आ गया है चेक होके, तभी मेरी ट्रेन आएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलो फाइनली मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म वाला जंजाल है ये भी समझ में आने लगा है। तो ये देखो, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लिखा आगे, और मेरे को ऊपर से जाना है इस साइड, मतलब इस साइड में 5 नंबर प्लेटफॉर्म है सबसे आगे, तो सीढ़ी से ट्रेवल करके जाना पड़ेगा सबसे लास्ट में। टाइम हो चुका है 12:09, अभी 30 मिनट बाकी है, मेरे को ट्रेन मिल चुकी है, विंडो खिड़की वाली सीट मिल चुकी है, मेरे को यही चाहिए था। जब भी मैं ट्रेन बैठता हूँ यहाँ से व्यू देख सकते हो गाइस कितना मस्त आ रहा है एकदम से। अभी ये देखो छोटा सा नन्नू मुन्ना सा बच्चा है, 5 साल का अभी है, और ये मोबाइल को इतने स्मूथली चला रहा है, इसने 10-15 से ज़्यादा तक गेम इंस्टॉल कर रखे हैं, मतलब आजकल के बच्चे ना सारे के सारे 5G से भी ऊपर जो है ऊपर की स्पीड से चल रहे हैं। तो गाइस मेरे साथ एक गलत सीन हो गया कि मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया, जो 5 मिनट बाद में जो ट्रेन आनी थी मेरे को उसमें जाना चाहिए था, 5 मिनट पहले उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन खड़ी थी, मैं उसमें आ गया। जब मैं पहुंचा फुलेरा तो मेरे को पता चला है कि भाई मैं गलत आ गया, और मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचा सो जाऊँ, मैं सो गया होता तो पता नहीं अजमेर कहाँ पहुँच गया होता। अब यार भाई मेरा दिमाग खिसक गया सच में। अब मेरी ट्रेन है यहाँ से 4 बजे की, और यहाँ से दूर भी बहुत है, तो मेरे को 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा यार सिट। तो फाइनली गाइस ये जो ट्रेन आ रही है ये वाली, इस ट्रेन से अब मेरे को जाना है, ये जाएगी नावा तक, नावा से मेरे को जो है बस वगैरह आराम से मिल जाएगी या फिर ट्रेन ही मिल जाएगी। तो देखता हूँ पहले नावा जाते हैं, फिर वहाँ से अपना लिफ्ट वाला कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में यही लिखा है। अभी गाइस इसे तो आया जाता कि नहीं आता वो तो पता नहीं, बट आज जो है ऐसे ही बस घूमते फिरते मैं पहुँच चुका हूँ सांभर लेक के पास में। तो ये जो सामने दिख रहा है ये यहाँ पे नमक की झील है, इसे नमक निकाला जाता है, और ये पीछे कोई फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, अभी तो इसका काम चल रहा है। ये यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह, ये दूर तक दिख रहा होगा पूरा सांभर झील का पानी है। ये देखो ये यहाँ पे लिखा भी है सांभर लेक, ये स्टेशन का नाम भी यही है, ये कोई ये सामने दिख रहा होगा सांभर झील के नाम से इस स्टेशन का नाम है। तो चलो चलते हैं अभी आगे और देखें क्या क्या मिलने वाला है, ये चीज़ें मैं सारे एक्सप्लोर करूँगा बट धीरे धीरे। अभी मेरे को वैसे भी लेट हो रहा है, मेरे को किसी बर्थडे पार्टी में जाना था इसलिए मैं गलती से इस साइड आ गया, तो आज तो इन्जॉय करना था, और इन्जॉय के चक्कर में ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, और जा रहे थे कुछ और देखने और देख कुछ और रहे हैं, पर चलो फिर भी। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि जो खेत है इनमें पानी सूख जाता है, उसके बाद नमक नीचे बचता है। यहाँ पे देखो कुछ क्यारी टाइप बनाया हुआ है, जैसे हमारे साइड में होता है वहाँ पे जैसे सब्जियाँ वगैरह बोई जाती है, वैसे ही यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। ये जो पानी है ये सूख जाता है, उसके बाद नमक नीचे बचता है, उसको यहाँ से उठा लेते हैं सारे को, और फिर उसको साफ करके पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। दूर तक आगे तक पूरा पहाड़ है, लास्ट में वहाँ तक पूरी की पूरी झील है, और ये झील बहुत लंबी है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका नावा स्टेशन पे, तो ये देख सकते हो जो बीच में झील आई ना, उससे ये नमक यहाँ से फैक्ट्रियों से बन के आता है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री, इससे पूरी ट्रेन लोड की जा रही है, इसी साइड में फैक्ट्री है जस्ट ट्रेन के उस साइड में, तो यहाँ से बनता है हमारा राजस्थान से नमक। ओ भाई ये थोड़ा उस साइड में रह गया यार, मतलब यहाँ पे लोगों की खेती यही है, नमक से ये लोग खेती करते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे फसल बोई जाती है वैसे ही। और मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना यार, थोड़े से खराब हो रखे हैं। ये देखो इनके लिए बिजनेस भी यही है, ट्रेनें भर भर के जा रहे हैं भाई नमक की, सोच लो कितना नमक होगा यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ स्टैंड है, इस स्टैंड पे भाई ने मेरे को छोड़ा, सॉरी कैमरे पे थोड़ा सा
जो है गंदा हो रखा कैमरा, इसको साफ करूंगा अभी। तो आज की दूसरी लिफ्ट अपने को दी ये वाले भाई ने। तो ये वाले भाई ने मेरे को जिस जगह पे छोड़ा है, इस सिटी का नाम है बार रोड। मैंने यहाँ से पानी पी लिया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है पानी पीने के लिए। तो मतलब यहाँ के लोग धर्म वाले हैं बहुत ज़्यादा, हमारे राजस्थान के सभी लोग ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कुछ लोगों से डिस्कस भी किया कि इस साइड में घूमने आऊँगा तो मेरी हेल्प होगी, तो उन्होंने बोला 100% हो जाएगी, कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस घर से निकलना ज़रूरी होता है, उसके बाद आपकी हेल्प तो अपने आप हो जाएगी। आप 200-300 मीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर रास्ता अपना बन जाएगा। तो चलो मेरे को यहाँ पे चेयर तो मिल गई, एक अंकल जी ने दे दी कि इस पे बैठ जाओ आप आराम से, तो मैंने बैग रख दिया। तो ज़्यादा मैं अब क्या कि बाइक वगैरह पे बैठा रहता हूँ, तो मेरे को खड़े रहने की आदत हो गई अभी। भाई जाओगे इस रोड पे यार? तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को पिछले 30 मिनट से। तो भाई का नाम है ओमकार गुज्जर। तो गुज्जर भाई ने मेरे को लिफ्ट दे दी है। ये मेरे को कितने किलोमीटर तक छोड़ोगे आप? फाइनली हमने जो है नागौर की जो सीमा है उसको क्रॉस कर ली। अभी हम जा चुके हैं, अभी सीकर जिला स्टार्ट होगा ना यहाँ से, अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सीकर जिला। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे राजस्थान में इसे डीजे चलते हैं और डीजे के पीछे लोग ऐसे ऐसे डांस करते हैं। और दाऊ जी राम राम। ये देखो गाइस, लोग ऐसे भी रहते हैं, मतलब ये देखो झुकी झोपड़ियों में। तो अपनी लाइफ तो बहुत सही है, मतलब इन लोगों को देखने के बाद में लग रहा है मेरे को। तब ये यहीं पे सोते हैं, मतलब यहाँ पे देख लो कितना कूड़ा कचरा है, उसके उस साइड में इनकी झुकी झोपड़ियाँ सारी की सारी। तो अपनी लाइफ तो इनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जिन लोगों को दुख होता है ना कि मेरे तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो एक बार इनको देख लिया करो कि इनकी लाइफ में क्या है। ये लोग मतलब इनको खाना भी नसीब नहीं होता, सोना तो दूर की बात है, इनको खाना नसीब हो जाता है कहीं भी छोड़ जाते हैं, सिर्फ इनको एक कंबल चाहिए सोने के लिए। ये कि मेरे को छोटी छोटी चीज़ें फील करनी है, इसीलिए मैं एक नीचे से जो वो है ना अपने को मिट्टी से जुड़े हैं, अपने को मिट्टी नहीं बनाया तो मिट्टी में ही अपने को रहना है, इसी में मिलना है। तो कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए किसी को। और ये वाली लाइफ यदि आप ये सोचते हो ना, आपको ये लगता है कभी कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ है नहीं, तो एक बार इन लोगों के साथ में रह के देखो, 2 दिन या 3 दिन आप रुकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ खाटू नगरी, यानी कि जो खाटू है वहाँ पे। तो ये जो सामने गेट देख रहे हो ये है खाटू धाम जी का मेन गेट, जहाँ पे मैं अभी पहुंच चुका हूँ। तो इसमें भी आपको कभी ना कभी लेके चलेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और ये है रिंगस रोड, तो रिंगस रोड से हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी भी इस रोड के बारे में एक बात पता चली है कि इसको संडे के दिन 1 वे कर दिया जाता है, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। आप लोग समझ सकते हो कि ये जो आप हाईवे की जैसे एक रोड है ये, जो जिसमें आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और इसकी लंबाई देख सकते हो कितनी ज्यादा, फिर भी इसको 1 वे कर दिया जाता है, उसके बाद भी ये पूरी रोड जाम हो जाती है। तो ये देखो गाइस, ये कोई होटल है जिसमें इन्होंने प्लेन खड़ी कर रखी है। तो ये जो बाईपास देख रहे हो आप, ये रिंगस बाईपास है, इस पे अभी मैं हूँ और इससे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ से अपने को लिफ्ट लेनी है अभी। तो देखते हैं कितनी देर में यहाँ से लिफ्ट मिलती है, थोड़ा सिटी क्रॉस करना पड़ेगा। अंकल जी इस रोड पे जहाँ तक जाओ, यहाँ जहाँ तक जाओ आप। चलो अंकल जी ने रोक दिया है, चलो चलो। तो ये प्रॉपर सिटी ठीकरिया, यहाँ से अभी एक अंकल जी को मेरी वजह थोड़ी लग गई यार, थोड़ी पर ज़्यादा नहीं लगी, टच ही हुए थे बस बच गए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से कितनी देर में लिफ्ट मिलती है, यहाँ तक तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अंकल जी ने मेरे को ये जो खाटों के लिए गेट जाता है, ये श्याम बाबा के लिए जो भी मैंने दिखाया था ना आपको पहले उस टाइम पे, तो यहाँ से भी शॉर्टकट जाता है सीधा, ये गाँव से जाता है। तो यहाँ से समथिंग 7-8 किलोमीटर हाईएस्ट होगा, 10 किलोमीटर है सॉरी, वहाँ पे बोर्ड लगा है, ये देख सकते हो सामने लिखा है यहाँ पे। चलो भाई मिल गई लिफ्ट अपने को, चलो भाई यहाँ तक इस रोड पे चलो।
चलो भाई का और मेरा साथ यहीं तक था, यहाँ से सिकर बचा 33 किलोमीटर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो ये वाले भाई ने मेरे को छोड़ा ही पिपराली सर्किल तक, तो यहाँ से मेरे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करना है सिर्फ, तो चलते हैं। तो भाई ने चलो यहाँ तक छोड़ दिया, हालत तो भाई की भी ख़राब हो गई। सिकर में शाम के टाइम भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, खचाखच हो रखी है रोड सारी। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। तो ये वाले अंकल जी ने अपने को यहाँ तक लिफ्ट दी थी, तो यहीं से पास में कहीं पे शायद से थोड़ा ही आगे होगी, मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो मैं उसको कभी कॉल कर लेता हूँ। मोबाइल एकदम से डिस्चार्ज हो चुका, सिर्फ और सिर्फ 4% बचा है। चलो फाइनली मैं इस वाले बिल्डिंग में तो पहुँच गया, तो इसी बिल्डिंग में मेरे को आना था, तो इसी में ऊपर से वो आ रहा नीचे। तो आधे घंटे वेट करवाने के बाद में ये बंदा आया है, तो अभी ये गालियाँ सुनेगा मेरे से, तो थोड़ी देर बाद में अभी मैं हम लोग थोड़ी बात करते हैं, जैसा ही मेरा उसूल है उसके बाद आपसे मिलेंगे।